यहाँ पे तोड़फोड़ कोई हुई नहीं है, एकाध कोई घटना घटी रहेगी तो उसके बारे में जानकारी, क्योंकि मैं अभी खुद वहां पे मॉब में था तो मैंने सब लोगों को यही कहा कि हमारी लड़ाई जो है बीएमसी के साथ में है, प्रशासन के साथ में है, तो हम ऐसे कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे स्थानीय लोगों को या किसी की मालमत्ता को कोई आपत्ति पहुंचे। तो लोग समझदार है, लोगों ने अपना पूरा फोकस जो है अपनी मस्जिद बचाने के ऊपर रखा है और हमारा सबका यही कहना है कि धारावी जो है पुनर्वसन प्रकल्प के अधीन प्रलंबित है विकास के लिए। पात्र अपात्र, अधिकृत अनधिकृत, ये सब होने वाला ही है, पूरी धारावी टूटने वाली है, तो प्रशासन को इतनी घाई करने की जरूरत नहीं है। हमसे का इजहार ना करें, बराए मेहरबानी आप यहाँ से दूर हो जाए और आप अंदर जाए एमजी रोड पर या कहीं भी जाए, लेकिन यहाँ से गाड़ियां जो आ रही है जा रही है उनको आने जाने दे, शांतिपूर्वक जो बात चल रही है उसको चलने दे, जो भी उसका रिजल्ट आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप शांति बनाए रखें। धारावी में 95 रोड और आसपास के परिसर में जो लोग इकट्ठा हुए थे उन सबको रिक्वेस्ट करने के बाद, आह्वान करने के बाद वो अपने अपने घर चले गए हैं। धारावी में अभी शांतता कायम है और मेरी सबसे अपील है कि वो ऐसी ही शांतता और सुव्यवस्था बनाए रखें। सोशल मीडिया को लेकर आप क्या सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया पे कोई मैसेजेस होते हैं जो विदाउट वेरिफिकेशन कभी कभी लोग सामने भेज देते हैं, लेकिन वो मैसेजेस मिसलीडिंग होते हैं, सच नहीं होते। मेरी सबसे ये अपील है कि आप ऐसे कोई अफवाह, कोई झूठे मैसेज पे विश्वास ना करें और शांतता बनाए रखने में सहायता करें। उसमें हम वेरीफाई कर रहे हैं और उचित कार्रवाई कर रहे हैं।